प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं आचार्य पंकज शास्त्री, आप देख रहे हैं मार्च महीने का मासिक राशि फल का कार्यक्रम। और आज हम बात करेंगे चक्र के पहली राशि मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के जातकों के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा, ग्रहों की स्थिति आपके लिए कैसी बनी हुई है, कैसा आपका स्वास्थ्य रहेगा, नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन आपको देखने को मिल सकते हैं, आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से कौन सी नई चुनौतियों का सामना मार्च के माह में आप कर सकते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति रेगुलर इनकम कैसी रहेगी, कौन सी तारीखें मार्च माह में आपके लिए शुभ रहेंगी, कौन सी तारीखें अशुभ होंगी, इन तमाम बातों की चर्चा में राशि फल के अंतर्गत करने वाले। सबसे पहले हम एक नजर डालते हैं मेष राशि के जातकों की ग्रह गोचर स्थिति पर। संपूर्ण मार्च के माह में ग्रहों की जो स्थिति है मेष राशि के जातकों के लिए कैसी बनी हुई है, तो मेष राशि के स्वामी ग्रह मंगलदेव है और मार्च आरंभ में मंगलदेव की स्थिति कर्म भाव दसवें भाव के अंतर्गत होगी, मकर राशि के अंतर्गत। यहीं पर शुक्रदेव भी विराजमान होंगे, शुक्र और मंगल की युति कर्म भाव दसवें भाव में। सूर्य बुध और शनि तीन ग्रह कुंभ राशि में लाभ भाव में स्थित होंगे, देवगुरु बृहस्पति लग्न में ही स्थित रहेंगे मार्च माह में। राहु की बात करें तो राहु बारहवें भाव में और केतु कन्या राशि के अंतर्गत स्थित होंगे। चंद्रदेव की स्थिति आरंभ में तुला राशि के अंतर्गत होगी मासारंभ में, उसके उपरांत चंद्रदेव का परिवर्तन होता रहेगा। प्रिय दर्शकों एक स्थिति मेष राशि के जातकों की कुछ इस तरह की बन रही है। इसी ग्रह गोचर स्थिति के बीच कुछ ग्रह परिवर्तन भी करेंगे और जब ये परिवर्तन करेंगे तो दूसरे भाव में जाएंगे और उस भाव से संबंधित शुभ अशुभ फल प्रदान करेंगे। तो इनको भी देख लेते हैं कौन कौन से परिवर्तन है। सबसे पहला जो परिवर्तन है शुक्रदेव का होगा, 7 तारीख को शुक्रदेव परिवर्तन कर जाएंगे। शुक्रदेव मकर राशि को छोड़कर के कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। 14 तारीख को सूर्यदेव का परिवर्तन, सूर्यदेव कुंभ राशि को छोड़कर के मीन राशि में प्रवेश करेंगे और 14 तारीख के बाद आपके लिए 12वें भाव में सूर्य और राहु की युति बनेगी, यानी ग्रहण योग का निर्माण आपके लिए हो रहा है 14 मार्च 2024 से लेकर के मार्च अंत तक, तो राहु और सूर्य की युति बनेगी। 15 तारीख को मंगलदेव का परिवर्तन, मंगलदेव मकर राशि को छोड़कर के कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, लाभ भाव में आपके लिए स्थित होंगे। बुधदेव की बात कर लेते हैं, बुधदेव भी परिवर्तन करेंगे, 7 तारीख को बुधदेव कुंभ से मीन में जाएंगे और 26 तारीख को बुधदेव मीन से मेष राशि के अंतर्गत स्थित होंगे, लग्न में आकर देव गुरु बृहस्पति के साथ बुधदेव युति बनाएंगे। प्रिय दर्शकों इन सभी ग्रहों के बीच चंद्रमा भी एक ऐसे ग्रह हैं जो बार बार राशि परिवर्तन कर देते हैं। चंद्रमा तो मात्र 2 से 2.25 दिन के भीतर ही अपनी राशि परिवर्तन कर देते हैं। चंद्रमा जब भी शुभ ग्रहों के साथ युति बनाते हैं, जन्म पत्रिका में शुभ भाव में संचरण करते हैं तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव फल प्रदान करते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट देने का कार्य करते हैं। लेकिन वही चंद्रमा यदि क्रूर ग्रहों के साथ युति बना लेते हैं, शनि राहु केतु इत्यादि पापी ग्रहों के साथ युति बना लेते हैं, जन्म पत्रिका के क्रूर भाव 3, 6, 8, 12 इत्यादि भाव में स्थित हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं नकारात्मक स्थितियां भी देने का कार्य करते हैं, यानी नेगेटिव रिजल्ट भी देते हैं और फल स्वरूप एक माह के भीतर 6 से 8 दिन तो हमें बहुत अच्छे मकर राशि के जातक हो तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। एक तो अपनी वाणी पर नियंत्रण लगाने की स्थिति को लेकर के हो, दूसरा लेकिन 6 से 8 दिन के साथ भी अवश्य देखने को मिलेंगे। जब हमें मानसिक अशांति, अज्ञात भय, हमारा पारिवारिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, हमारा करियर का क्षेत्र हो, कहीं ना कहीं हमें बाधाएं दिखाई देते हैं, विघ्न दिखाई देते हैं, कलह कलेश का वातावरण दिखाई देता है, तो कौन कौन सी ऐसी तारीखें मार्च में मेष राशि के जातकों के लिए रहेंगी इन पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते चले शुभ तारीखें मार्च माह में मेष राशि के जातकों को 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 23 और 31 मार्च शुभ तारीखें देखने को मिलेंगी। इन तारीखों में कहीं ना कहीं अच्छा लाभ होगा। वहीं 2, 3, 8, 9, 10, 11, 24, 25, 29 और 30 मार्च को आपने विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना है। शेष तारीखें आपके लिए सामान्य तारीखें साबित होंगी। प्रिय दर्शकों ये तो रही आपकी संपूर्ण मार्च माह की ग्रह गोचर स्थिति। अब इस ग्रह गोचर स्थिति के बीच सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि के जातकों के स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा, हेल्थ कैसी रहेगी मार्च के माह में मेष राशि के जातकों को थोड़ा सा सतर्क सावधान रहना होगा। 1 मार्च से 14 मार्च तक सूर्य शनि की युति रहेगी लाभ भाव में, उसके उपरांत राहु और सूर्य की ये जो युति है ये कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकती है, आपको स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें देने का कार्य कर सकती है, आपको नेत्रों से संबंधित समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, आधा सीसी का दर्द आपको परेशान कर सकता है, मानसिक रूप से आप कहीं ना कहीं व्यथित रह सकते हैं, किसी गहन चिंता में खो सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको बहुत सतर्क सावधान रहना होगा।
पारिवारिक दृष्टिकोण से भी कहीं ना कहीं सहयोग की कमी आपको इस समय देखने को मिल सकती है। जब सूर्य राहु की ग्रहण युति होगी इस समय पर विशेष रूप से सूर्यदेव की आराधना करना लाभ देने का कार्य करेगा। इसके साथ साथ काले तिल और गुड़ को मिलाकर के छोटी छोटी गोलियां बनाइए और शाम को सूर्यास्त के बाद चींटियों को उन्हें देना स्टार्ट कर दीजिएगा। निश्चित ही स्वास्थ्य को लेकर के हो, फैमिली को लेकर के हो, या आपके करियर को लेकर के कोई भी बाधाएं आ रही हो, ये उपाय जरूर करना है। तुरंत रिलीफ देने वाला उपाय आपके लिए रहेगा, ये उपाय करिएगा। करियर की बात करें, कार्य क्षेत्र के मार्च के माह में आपका कार्य क्षेत्र कैसा रहेगा, नौकरी व्यवसाय की स्थिति कैसी है। प्रिय दर्शकों, जन्म पत्रिका में जो दसवां भाव है वो कर्म का भाव है। मेष राशि के जातकों के लिए कर्म भाव के स्वामी शनिदेव बनते हैं। शनिदेव लाभ भाव में स्थित है। कर्म भाव में शुक्र की स्थिति है, मंगल की स्थिति है। 15 तारीख के बाद मंगल भी यहाँ से चले जाएंगे और लगभग 7 तारीख को शुक्र, पहले शुक्र यहाँ से परिवर्तन कर जाएंगे, 7 तारीख को शुक्रदेव यहाँ से मूव कर जाएंगे, फिर 15 तारीख को मंगलदेव भी यहाँ से मूव कर जाएंगे। तो मिश्रित प्रभाव रहेगा जब तक मंगलदेव यहाँ पर स्थित हैं, आपके राशि स्वामी हैं। कार्य क्षेत्र में किसी भी बड़ी बाधा, जब तक यहाँ पर मंगलदेव की स्थिति है कार्य क्षेत्र में हो, या आप नौकरी के क्षेत्र में हो या व्यवसाय के क्षेत्र में, तब तक कोई बड़ी बाधा आपके लिए नहीं रहे है। लेकिन उसके उपरांत जरूर आपको दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में कार्य आपके शीघ्र होने चाहिए, जल्दी होने चाहिए, उनमें कहीं ना कहीं देरी लग रही है, ऐसी स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ संघर्ष की स्थिति यथावत बनी रहेगी। जब तक देवगुरु बृहस्पति लग्न में स्थित है कुछ बचाव आपके होते रहेंगे। शनिदेव की क्योंकि नीच दृष्टि जो है वो लग्न पर है, तो कहीं ना कहीं परिश्रम अत्यधिक रहेगा, मानसिक हो या शारीरिक हो, मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से परिश्रम बहुत ज्यादा होगा, मेहनत ज्यादा होगा और उसका लाभ आपको कम देखने को मिलेगा। लेकिन 15 तारीख तक स्थितियां आपके पक्ष में होंगी, इस समय का आपको भरपूर लाभ अवश्य लेना चाहिए कार्य क्षेत्र में, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। एक और बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा, नौकरी के क्षेत्र में किसी भी जल्दबाजी को करने से आपने जरूर बचना है, क्रोध करने से बचना है और जो आपके सीनियर्स हैं उनके साथ वाद विवाद करने से जरूर बचेगा। जो जातक विदेश से संबंधित कार्य क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उनको अच्छी खासी मशक्कत का सामना करना पड़ सकता है, उनको भी दिक्कतें देखने को मिल सकती है। बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति यानी रेगुलर इनकम की स्थिति आपकी इस मार्च के माह में कैसी रहेगी। प्रिय दर्शकों, रेगुलर इनकम के जो लॉर्ड बनते हैं आपके लिए आर्थिक स्थिति के स्वामी, वो शनिदेव हैं। शनिदेव चूंकि यहीं पर स्थित हैं, यहाँ पर सूर्यदेव, बुधदेव, मंगलदेव, शुक्रदेव, लगभग सभी ग्रहों की स्थिति रहेगी, तो आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से भी खर्चों में बढ़ोतरी होगी, नित्य खर्चों में बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ सैलरी में या आपके जो भी आपकी रेगुलर इनकम है उनमें कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन खर्च भी मेष राशि के जातकों को मार्च के माह में दबा के देखने को मिलेंगे। निश्चित ही खर्च आपके अत्यधिक बनेंगे, कुछ खर्च अनावश्यक होंगे, जो खर्च करने की आवश्यकता नहीं लेकिन वो खर्च हो जाएंगे, ऐसी स्थितियां आपको देखने को मिल सकती है। प्रिय दर्शकों, इस मार्च के माह में स्टूडेंट्स को बहुत सतर्क सावधान रहना होगा। शनिदेव की सातवीं दृष्टि सीधा विद्या भाव पर है, पंचम भाव पर, तो कहीं ना कहीं ये शत्रुवत दृष्टि है और 15 तारीख के पश्चात सूर्यदेव भी पीड़ित होंगे, तो स्टूडेंट हैं उनको बहुत सतर्क सावधान रहना होगा। प्रेमी वर्ग को बहुत सतर्क सावधान रहना होगा कि स्थितियां भी आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। मार्च का महीना मेष राशि के जातकों के लिए लाभप्रद हो, शुभ हो, यही हम प्रार्थना करते हैं। नमस्कार, जानकारी अच्छी लगे शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। यदि आप व्यक्तिगत रूप से जन्म पत्रिका विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं 8826810020 या 8860782753।